जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय यानी कि AMD रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और ये भर्ती दोस्तों आपकी परमानेंट बेसिस पर है। और मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इसमें 10वीं ITI डिग्री डिप्लोमा ये सभी क्वालिफिकेशन अलग अलग से कैंडिडेट वाले अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हो, ITI है तब भी, डिप्लोमा है तब भी, क्योंकि इसमें काफी सारी पोस्ट निकाली है। अब मैं आपको एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। यहां पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अब चलिए दोस्तों यहां पर जानते हैं इस भर्ती के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आज ही जारी किया गया है। यहां पर दोस्तों आप लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है उनको अप्लाई करने के लिए अलग से इनकरेज किया है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 24 अक्टूबर 2021 है और आपके फॉर्म 9 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी यहां पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊं जिससे कि आप वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर पाए। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि आपकी पहली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की फिजिक्स डिसिप्लिन के लिए, जिस पर आपको 35,400 रुपए सैलरी दी जाएगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। एंड इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे BSc मांगी है जो कि आपने फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ पास की हो और आपके कम से कम 60% भी होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो सेकंड आपके पास ऑप्शन ये है और थर्ड ऑप्शन ये है, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो भी आप देख लीजिए। OBC के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल है और UR यानी कि जनरल के लिए 30 है, जो कि 24 अक्टूबर 2021 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। फिर जो आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट बी केमिस्ट्री डिसिप्लिन के लिए पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली सभी पर सेम सी क्वालिफिकेशन है क्योंकि ये अलग अलग डिसिप्लिन में, तो उसी डिसिप्लिन में आपसे जो आपकी BSc है वो मांगी है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा मांगा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए और उसके अंदर आपके कम से कम 60% मार्क्स भी होने चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT पर अप्लाई करने के लिए ग्रुप बी के अंदर रखा है और आपसे क्वालिफिकेशन BSc कंप्यूटर साइंस या फिर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस की योग्यता मांगी है। अगर ये नहीं है तो आपको बोला है कि डिप्लोमा इन IT या फिर कंप्यूटर साइंस जो कि आपने 60% के साथ पास किया हो। अब थोड़ा नीचे आते हैं और आपकी पोस्ट आती है टेक्नीशियन बी की, जो कि फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन के लिए। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे एक तो मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि कम से कम 60% मार्क्स आपके 10वीं के अंदर होने चाहिए। सेकेंड आपसे ITI की योग्यता मांगी है जो कि NCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो और वो आपकी ITI या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंदर हो, नॉट लेस देन 1 ईयर और 1 साल से कम की ना हो। यानी कि अगर 1 साल की है तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आप यहां पर जनरल के लिए देखेंगे 25 साल है और OBC के लिए 28 साल है। टेक्नीशियन बी लेबोरेटरी पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, बट आपकी ITI अलग डिसिप्लिन में मांगी है। टेक्नीशियन बी प्लम्बर पर अप्लाई करने के लिए 10वीं ITI मांगी है और आपका जो प्लम्बर ट्रेड है इसके अंदर ITI मांगा है। इसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन बी बाइंडिंग की पोस्ट आप देख सकते हैं, इस पर भी आपसे 10वीं प्लस ITI मांगी है। टेक्नीशियन बी प्रिंटिंग पर भी आपसे 10वीं प्लस ITI मांगी है। टेक्नीशियन बी ड्रिलिंग पर भी 10वीं प्लस ITI आपसे मांगी गई है। अब आती है आपकी पोस्ट अपर डिविजन क्लर्क यानी कि UDC, जहां पर आपको 25,500 रुपए सैलरी दी जाएगी और ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर इस पोस्ट को रखा है और अप्लाई करने के लिए आपसे इस पर डिग्री की योग्यता मांगी है जो कि आपने 50% कम से कम के साथ पास की हो। और साथ ही आपको बोला है कि आपके पास 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपराइटिंग होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डाटा एंट्री एंड डाटा प्रोसेसिंग ये भी आपको आनी चाहिए।
और एज लिमिट आपकी यूआर के लिए 27 है मैक्सिमम, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 32 साल रखी गई है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट पर आपको 19,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए लाइट एंड हैवी दोनों का। कॉन्सुलेटेड एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए और जो मोटर मैकेनिज्म होता है थोड़ा बहुत अगर कुछ व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है वो आपको सही करनी आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, ये सभी आपको काम आने चाहिए तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। फिर आपकी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप डायरेक्ट रिक्रूट यानी कि सीधे अप्लाई करते हो, और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है इनसे अप्लाई करने के लिए 10वीं पास या फिर एक्स पुलिस एंड एक्स सेंट्रल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मांगा है, यानी कि इसमें 10वीं पास सिंपल भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी हाइट मिनिमम रखी है 167 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फ्लाई 80 और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। यहां पर आपकी एज लिमिट मैक्सिमम जनरल के लिए 27 और एससी एसटी विकलांग एससी एसटी और ओबीसी के लिए 32 साल रखी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड की कैटेगरी वाइज हाइट है वो भी आप देख लीजिए, मिनिमम हाइट जनरल के लिए कितनी है, इन एरिया से बिलोंग होने वाले कैंडिडेट की कितनी है, चेस्ट कितनी है, ये सब जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पोस्ट वाइज आप देख लीजिए, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी, अपर डिविजन क्लर्क, इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी टेक्नीशियन से लेकर के सिक्योरिटी गार्ड है 100 रुपये फीस मांगी है, और जो एससी एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, विकलांग है और वुमेन कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के, इनसे अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली गई है, ये फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो भी जानने को मिलेगा। आप सिलेक्शन प्रोसेस में देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है, सभी डिसिप्लिन की जो भी डिसिप्लिन यहाँ पर मैंने आपको बताई है उन पर आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम का पैटर्न आप देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स उसके लिए आपको 300 दिए जाएंगे, प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 3 नंबर और एक गलत आंसर के लिए आपको यहां पर 1 नंबर कट किया जाएगा, बेसिकली निगेटिव मार्किंग आपकी रखी है, और एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टेक्नीशियन बी की जो ओल्ड डिसिप्लिन है इस पर जो आपका पैटर्न है वो आप देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 50 आएंगे, मैथमेटिक्स से 20, साइंस से 20, जनरल अवेयरनेस से 10, और इसके लिए आपको मैक्सिमम 150 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक एक राइट आंसर के लिए 3 नंबर, यहाँ पर भी आपकी निगेटिव मार्किंग है और एग्जाम करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अंदर स्टेज 2 भी है, एडवांस टेस्ट, जिसमें कि यहां पर आपको 50 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे और पैटर्न के अंदर इसमें बस थोड़ा चेंजेस है कि आपको एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर स्टेज 3 है आपकी ट्रेड और स्किल टेस्ट, जो भी आपका ट्रेड है, जो आपकी स्किल है वो आपसे देखी जाएगी और उसके लिए आपको यहां पर क्या होगा उसकी जानकारी दी जा रही है। तो यहां पर आप पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन से एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की डिटेल में देख सकते हो। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।